दोस्तों, मेरे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्मार्ट ग्लासेस आ चुका है और ये जो स्मार्ट ग्लास है ये 2025 में एक तरह से रेवोल्यूशन क्रिएट करने वाला है। मैं MWC में जाने वाला हूँ, मुझे लगता है कि वहाँ पर भी इस टाइप के बहुत सारे टेक्नोलॉजीज़ देखने को मिलेगा। फिलहाल मैं ये स्मार्ट ग्लास पहन रहा हूँ और ये जो स्मार्ट ग्लास है मैं कुछ दिनों से यूज़ कर रहा था ये देखने के लिए कि लोगों को समझ में आता है कि मैंने स्मार्ट ग्लास पहना है या नहीं। और आश्चर्य की बात यह है कि 90% ऑफ द टाइम लोगों को पता ही नहीं चला कि मैं एक स्मार्ट ग्लास पहन रहा हूँ। अब ये जो स्मार्ट ग्लास है ये काफ़ी यूनिक है। यूनिक इसलिए क्योंकि इसमें माइक्रोफोन तो दिया हुआ है लेकिन इसमें बिल्ट इन स्पीकर नहीं दिया हुआ है, मतलब कि मैं कॉलिंग नहीं कर पाऊंगा, प्लस कुछ ऑडियो भी इस पर सुन नहीं पाऊंगा। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि जो इन्फॉर्मेशन है ये मुझे कैसे मिलेगा। देख के देखते रहिए। तो दोस्तों, ये जो ग्लास है इसे मैंने पहना हुआ है और फिलहाल मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ, लेकिन जब मैं इस तरीके से मेरे हेड को ऊपर पॉइंट करता हूँ तो स्क्रीन के ऊपर मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दिख रहा है। ये एक तरह से फ्लोटिंग इन्फॉर्मेशन है और ट्रांसपेरेंट है लेकिन ग्रीन कलर का है। अब ग्लासेस के ज़रिए ये दिखाना थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली मुझे क्या दिख रहा है। तो इस तरीके से मुझे इन्फॉर्मेशन दिख रहा है और ये एक तरह से फ्लोटिंग टाइप का है, प्लस जो एनवायरनमेंट है उसे भी मैं देख पा रहा हूँ। अभी काफ़ी इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी है, चलिए इसे चेक करते हैं, देखते रहिए। चलिए सबसे पहले इसकी क्विक अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ये देखिए, ये है इवन रियलिटीज़ का G1, डिज़ाइंड एंड इंजीनियर्ड बाय इवन रियलिटीज़। तो जो बॉक्स पैक है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइप का है और ये इस तरीके से खुलता है और यहाँ पर देखिए, पुट देम ऑन सी वॉट मैटर्स। ये एक तरह से थैंक यू कार्ड है, यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं और ये है क्विक स्टार्ट गाइड। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये देखिए ये इस तरीके से खुल जाता है। तो बॉक्स के अंदर ये केस है, ये देखिए ऐसा दिखता है ये केस। केस की जो क्वालिटी है बहुत ही बढ़िया है और ये इस तरीके से खुलता है और अंदर है ये ग्लासेस। एक्चुअली जो ग्लासेस है इसे मैंने यूज़ करना शुरू कर दिया है, इनफैक्ट ये लगा हुआ था इसके ऊपर। बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब कभी आप ग्लासेस को अंदर रखते हैं तो ये जो लेफ्ट साइड है इसे आपको पहले फोल्ड करना है, उसके बाद में ये राइट साइड को फोल्ड करना है और इस तरीके से जो ग्लास है उसे अंदर प्लेस करना है। यहाँ पर LED इंडिकेटर है, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि ये जो ग्लास है ये सही तरीके से चार्ज हो रहा है या नहीं। अब ये चार्ज हो रहा है, काफ़ी यूनिक टाइप का केस है। प्लस ये देखिए, यहाँ पर ये टाइप सपोर्ट दिया हुआ है, इसमें बिल्ट इन बैटरी है और ये ग्लासेस को चार्ज भी रखने वाला है। और इसके अलावा ये देखिए एक्सेसरीज अंडरनीथ, और यहाँ पर ये कार्ड है, ये सॉफ्ट क्लॉथ दिया हुआ है जो ग्लास है उसे साफ़ करने के लिए, एंड ये कुछ नोज़ सपोर्ट दिया हुआ है। ये है सेफ्टी एंड वारंटी बुकलेट, एंड ये टाइप सी टू टाइप सी केबल बॉक्स में दिया हुआ है। तो ये देखिए, जो फ्रेम है ये इस तरीके का दिखता है, जो क्वालिटी है फ्रेम की इम्प्रेसिव लेवल की है। और ये देखिए, यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आपको एक रेक्टेंगुलर एरिया दिख रहा होगा, यहाँ पर जो प्रोजेक्शन है वो आपको दिखता है। ये काफ़ी हल्का है, आई गेस मैग्नीशियम अलॉय मटेरियल यूज़ किया गया है और लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए एकदम कंफर्टेबल है। इसमें डुअल सिंक टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया है। अब यहाँ पर जो मॉड्यूल है और यहाँ पर जो मॉड्यूल है दोनों रियल टाइम में सिंक होते हैं ताकि आपको जो इन्फॉर्मेशन है दोनों ग्लासेस पर साइमल्टेनियसली दिखता है। इसमें HAOS टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया है, होलिस्टिक अडैप्टिव ऑप्टिकल सिस्टम। एक तरह से एक इनविजिबल प्रोजेक्टर है जो स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्शन करता है। तो ये देखिए, ये है इवन रियलिटीज़ का एप्लीकेशन और ये फिलहाल ब्लूटूथ के ज़रिए जो ग्लासेस है इसके साथ में कनेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए 100% बैटरी है। साइलेंट मोड अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से भी एक्टिवेट कर सकता हूँ, या फिर ये जो ग्लासेस है इसके ऊपर जो टच पैड है वहाँ पर 3 टाइम टैप करने के बाद भी मैं इसे एक्टिवेट कर सकता हूँ। क्विक नोट का ऑप्शन है जो कि आप ग्लासेस के ज़रिए भी कर पाएंगे क्योंकि इसमें बिल्ट इन माइक्रोफोन है, लेकिन आपको जो टच पैड है उसे प्रेस एंड होल्ड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो ट्रांसलेट का ऑप्शन दिया हुआ है ये सारे लैंग्वेजेस सपोर्टेड है, और इन केस अगर कोई लैंग्वेज सपोर्ट नहीं है, खास करके फॉन्ट सपोर्ट नहीं है, तो उसके बारे में जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज ट्रांसलेशन तो कर पाएगा लेकिन फॉन्ट सपोर्टेड नहीं है, मतलब कि अगर हिंदी टू इंग्लिश आप करना चाहते हैं तो वो आप कर पाएंगे। और ये देखिए, ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है और ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है क्योंकि एक बार आपने इसे एक्टिवेट कर दिया उसके बाद में आपके सामने जो भी व्यक्ति बात कर रहा है जिस लैंग्वेज आपने सेलेक्ट किया है उसमें, तो आपको ट्रांसलेशन डायरेक्टली स्क्रीन के ऊपर दिखने वाला है। तो एक तरह से जेम्स बॉन्ड जैसा फील आपको मिलने वाला है। नेविगेट, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब देखिए, यहाँ पर ये मैप है, बिल्ट इन मैप। अब यहाँ पर मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर नेविगेशन कर पाऊँगा, लेकिन ये जो नेविगेट फीचर है ये खास करके
वॉकिंग के लिए और साइकिलिंग के लिए है। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो उस दौरान ये फीचर काम नहीं करने वाला है। और यहाँ पर बेसिकली आपको जो इन्फॉर्मेशन है ये स्क्रीन के ऊपर मिलने वाला है। अगर आप ऊपर देखेंगे तो आपको डैशबोर्ड की जगह पर मैप दिखने वाला है, और अगर आप डायरेक्टली देखेंगे तो वहाँ पर आपको जो इंडिकेशंस है जैसे कि लेफ्ट में जाना है, राइट में जाना है, स्ट्रेट जाना है, वैसा चीज़ दिखने वाला है। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। टेलीप्रॉम्प्ट, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे टेलीप्रॉम्प्टर होते हैं तो उसी प्रकार से ये जो टेलीप्रॉम्प्ट इन्फॉर्मेशन है ये आपको ग्लासेस पर मिलने वाला है, और जैसे जैसे आप बात करेंगे वैसे वैसे ये AI टेक्नोलॉजी यूज़ करके ऑटोमेटिकली स्क्रॉलिंग करने वाला है। तो ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन दिया हुआ है। इवन AI जो टेक्नोलॉजी है उसके साथ में ये आता है, तो AI भी यूज़ करके आप इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये जो ग्लासेस हैं ये आपके फ़ोन के साथ में कनेक्ट होना चाहिए। और ट्रांसक्राइब का भी ऑप्शन दिया हुआ है। ये है डैशबोर्ड, और यहाँ पर मैंने देख सकते हैं कि विजेट, कैलेंडर और स्टेटस को सेलेक्ट किया हुआ है। फुल इन्फॉर्मेशन, डुअल इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल है और मिनिमल इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल है। मैंने फुल सेलेक्ट किया है और न्यूज़ को सेलेक्ट किया हुआ है। और यहाँ पर जो विजिट है, यहाँ पर क्विक नोट, स्टॉक्स, न्यूज़ या फिर मैप ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये जो पार्ट यहाँ पे देख रहे हैं, अब देखिए यहाँ पे मुझे कह रहा है कि प्लीज़ वेयर द ग्लासेस, क्योंकि मैंने ग्लासेस को पहना नहीं है तो मैं उसे पहनता हूँ। ये जो ऑप्शन है इससे आप जो हाइट है टेक्स्ट का उसे एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने फिलहाल यहाँ पे रखा हुआ है। प्लस ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो डिस्टेंस है, आपको कितना डिस्टेंस चाहिए। 2 मीटर्स, आई थिंक 2 मीटर्स इज़ गुड इनाफ, लेकिन आप मैक्सिमम 5 मीटर्स तक का रेंज सेट कर सकते हैं। तो उतना दूर आपको दिखने वाला है, ऐसा लगेगा कि जो टेक्स्ट है वो 5 मीटर की दूरी पर फ्लोट हो रहा है। लेकिन मुझे जो 2 मीटर्स की दूरी है ये मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, तो ये मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। और ये जो सेटिंग का ऑप्शन है इसमें हेड अप सेटिंग जो है इसे मैंने 27 डिग्रीज पे सेट किया हुआ है। ये बेसिकली जब आप अपने हेड को ऊपर मूव करते हैं तो इतने डिग्रीज के बाद जो डैशबोर्ड है ये आपको दिखेगा। अगर आप चाहें तो इसे यहाँ पर रख सकते हैं, लेकिन इससे क्या है ना कि बार बार आपको जो डैशबोर्ड है वो दिखने वाला है, इसलिए 27 इज़ गुड इनाफ। और मेरे हिसाब से 27 to 28 इज़ गुड इनाफ। जब कभी आपको कोई मेन नोटिफिकेशन आएगा जैसे कि मैसेजेस या फिर व्हाट्सएप मैसेजेस या फिर ऐप मैसेजेस या फिर कॉल नोटिफिकेशन, वो आपको 0 लेवल पर दिखने वाला है। जो डैशबोर्ड है ये अलग है और जो नोटिफिकेशन है वो अलग है। और ये देखिए जो वेयर डिटेक्शन है उसे मैंने ऑन रखा हुआ है। सिस्टम लैंग्वेज इंग्लिश, इसमें 2 ही ऑप्शन है, इंग्लिश एंड डच। मतलब कि ये जो लैंग्वेजेस है ये स्क्रीन पर आपको दिखने वाला है। स्पीच लैंग्वेजेस बहुत सारे हैं, ये सारे स्पीच लैंग्वेजेस सपोर्टेड है, तो खास करके ट्रांसलेशन के लिए ये काफ़ी काम में आता है। तो बस ये सारी चीज़ें हैं, और इन केस अगर कोई अपडेट आएगा तो यहाँ से आपको वो दिख जाएगा। जो टच बार है उसका जो कंट्रोल्स है उसके बारे में जानकारी यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसका जो केस है मुझे काफ़ी पसंद आया। देखिए इस तरीके से ये खुल जाता है और इसमें ही चार्जिंग होता है। वैसे जो बैटरी लाइफ है बहुत ही बढ़िया है, 1.5 डेज का बैटरी लाइफ आपको आसानी से इस पर मिल जाएगा। अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ इन ग्लासेस की, कि ये बहुत ही कंफर्टेबल है। अब तक का सबसे बेस्ट फिट वाला ग्लास ये है। इसे एक बार मैंने पहन लिया, उसके बाद में मुझे इसे सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये वैसे का वैसा ही रहता है। तो इसका जो फिट है ये मुझे बहुत ही पसंद आया। और अगर आप ये ग्लास की तरफ ध्यान दें तो ये देखिए इसका ये जो पार्ट है, यहाँ पर है बैटरी, तो 2 बैटरीज यहाँ पर। सनलाइट विजिबिलिटी मैं कहूँगा कि डिसेंट लेवल की है, खास करके अगर सन ऊपर है और अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो ये सुपरिटी होगा। लेकिन अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाता है थोड़ा बहुत आपको ग्रीन दिखेगा, उसके बाद में आपका जो हेड है उसे कहीं दूसरी जगह पर मूव करके इन केस वहाँ पर थोड़ा सा छाँव है तो जो इन्फॉर्मेशन है वो देख पाएंगे। या फिर आप इस तरीके से भी आपका जो हाथ है आगे लाके अगर ज़्यादा सन है तो जो इन्फॉर्मेशन है वो पढ़ पाएंगे। बट ये बहुत ही रेयर केस है, खास करके अगर आप आउटडोर जाते हैं तो। कॉल नोटिफिकेशन या फिर SMS या फिर जो भी अन्य ऐप है उनका जो नोटिफिकेशन है वो आपको डायरेक्टली आई लेवल पर मिलता है। तो अगर आपने ये जो डैशबोर्ड ऑप्शन है इसे डिसेबल रखा हुआ है तो भी जो नोटिफिकेशन है आपको मिलेगा। अब नोटिफिकेशन भी 2 टाइप के हैं, एक तो आपको आइकन दिखेगा जिससे आप समझ जाएंगे कि आपको नोटिफिकेशन आया है, आप अपने फ़ोन को यूज़ करके नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन स्क्रीन के ऊपर दिख जाएगा। अब कुछ इन्फॉर्मेशन मतलब कि अगर कोई टेक्स्ट ज़्यादा बड़ा है तो आपको वो जो इन्फॉर्मेशन है पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने वाला है, लेकिन आई गेस 2 लाइन का जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाता है। और ज़्यादा करके फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप में जो मैसेजेस होते हैं वो 2 लाइन के होते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन ईजिली आप स्क्रीन के ऊपर पढ़ पाएंगे। अब चलिए क्विक कंपेरिजन करते हैं विथ रेबैन का जो मेटा ग्लासेज है उसके साथ में। और इसमें टच पैड दिया हुआ है जिससे जो इन्फॉर्मेशन है बेसिकली उसे आप जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है वो देख पाएंगे। इसमें कैमरा नहीं दिया हुआ है और ये बेसिक फीचर के साथ में आता है। स्क्रीन डिस्प्ले दिया हुआ है जो कि ग्रीन लाइट का है, और क्योंकि ये मिनिमल फीचर के साथ में आता है, इंपॉर्टेंट फीचर्स खास करके जो डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है इसके कारण इसकी जो बैटरी लाइफ है ये काफ़ी बढ़िया है। इसकी एक और बढ़िया चीज़ ये है कि इनकेस अगर आपको प्रिस्क्रिप्शन लेंसेज है तो वो भी आप जब आप ऑर्डर करते हैं
तो वो कह सकते हैं। और इसके ऊपर एक क्लिप ऑन गॉगल्स भी आता है जो कि फिलहाल मेरे पास नहीं है, तो धूप में अगर इसे सन ग्लासेस की तरह यूज़ करना है तो वो भी मैं कर पाऊंगा। ये देखिए मैं इसे ट्विस्ट कर रहा हूँ और ये जो ग्रीन लाइट आपको अंदर दिख रहा है ये बेसिकली इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं पढ़ पाऊंगा, पढ़ पा रहा हूँ। और ये है रेबन का सन ग्लासेस। अब ये जो रेबन का सन ग्लासेस है ये भी काफ़ी बढ़िया चीज़ है। इसमें बिल्ट इन माइक्रोफोन है, इसमें बिल्ट इन स्पीकर दिया हुआ है और इसमें कैमरा भी दिया हुआ है। और अब जो AI टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया है उसके ज़रिए आप बेसिकली जो मेटा है उससे बात कर सकते हैं, और आपके पास अगर कोई ऑब्जेक्ट है हाथ में तो आप मेटा को पूछ सकते हैं कि मेरे हाथ में क्या है, और मेटा आपको बताएगा कि आपके हाथ में क्या है। तो ये टेक्नोलॉजी इसमें दिया हुआ है लेकिन इसमें आपको वो नहीं मिलने वाला है। अब ऐसा सुनने में आया है कि आगे चल के जो रेबैन का मेटा है, जो नेक्स्ट वेरिएंट होगा, उसमें ये जो डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है ये भी आने वाला है। तो ये मेटा को काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाएगा, लेकिन मेटा का सबसे बड़ा इशू, इनफैक्ट अगर आप इसे सही तरीके से यूज़ करें तो आप इसे मैनेज कर सकते हैं, बट सबसे बड़ा इशू आज की तारीख में ये है, क्योंकि इसमें स्पीकर है, क्योंकि इसमें बिल्ट इन माइक्रोफोन है, क्योंकि इसमें कैमरा है, इसकी जो बैटरी लाइफ है ये बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो अगर आप मेटा को ज़्यादा यूज़ करते हैं फोटोज़ शूट करने के लिए तो जो बैटरी है ये जल्दी ड्रेन हो जाती है, तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। और अगर ये डिस्प्ले आ गया उसके बाद में तो जो बैटरी है ये और भी जल्दी ड्रेन होने वाला है। इतनी सारी चीज़ें अगर आप ग्लासेस में डालेंगे तो जो फॉर्म फैक्टर है वो भी चेंज हो जाता है। इसका जो फॉर्म फैक्टर है ये कितना छोटा है, मतलब कि ये नॉर्मल ग्लासेस की तरह दिखता है। अगर आपने इसे पहना हुआ है तो कोई भी ये कह नहीं सकता है कि आपने कोई स्मार्ट ग्लासेस पहना हुआ है। तो ये है इवन रियलिटीज़ का G1 ग्लासेस, स्मार्ट ग्लासेस, और इसका जो प्राइसिंग है ये तकरीबन $599 है। ये टेक्नोलॉजी आपको कैसे लगी कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए।